दरअसल ड्रग्स केस में आर्यन अनन्या की चैट सामने आई है और इसके साथ ही आर्यन अनन्या के करीबियों में भी हड़कंप मच गया है कि अब अगला नंबर किसका लगने वाला है। ये रिपोर्ट देखिए और पूरा मामला समझिए। ड्रग्स केस में सनसनीखेज खुलासा। आर्यन ने अनन्या से मांगा था गांजा। व्हाट्सएप चैट से सच आया सामने। आर्यन खान के बाद अनन्या पांडे का ड्रग्स केस में नाम आते ही तमाम सवालात लोगों के जहन में उठने लगे कि क्या ड्रग्स मंडली में अनन्या पांडे भी शामिल हैं? आखिर अनन्या पांडे और आर्यन खान के बीच ऐसी क्या बात हुई कि एनसीबी ने उन्हें पूछताछ के लिए बुला लिया? अब सारी बातें सामने आने लगी है। सूत्रों के मुताबिक आर्यन खान अनन्या पांडे से पूछता है इफ गांजा कैन बी अरेंज। इस पर अनन्या पांडे का जवाब आता है शी विल अरेंज। इसी चैट के आधार पर एनसीबी का अनन्या पांडे पर शिकंजा कसता जा रहा है। सूत्रों के हवाले से खबर यह भी है कि जब एनसीबी ने अनन्या पांडे से तीखे सवाल पूछे तो वो घबरा गई। एनसीबी अनन्या से सवाल पूछती है कि क्या आर्यन के साथ आपने भी कभी ड्रग्स ली है? इस पर अनन्या का जवाब आता है कि आर्यन से सिगरेट पर बात हुई थी, मैंने कभी ड्रग्स नहीं ली। एनसीबी अनन्या से फिर पूछती है कि आर्यन आखिर किस शख्स से ड्रग्स मंगवाते थे? इस पर कहती है अनन्या कि मैं किसी ड्रग्स पेडलर को नहीं जानती, मेरा इस केस से कोई लेना देना नहीं है। अनन्या कई सवालों के जवाब देने से बचती नजर आ रही है, हालांकि उन्हें सवालों के जवाब तो देने ही होंगे। इसके अलावा अनन्या का नाम सामने आने के बाद स्टार किड्स में हड़कंप मच गया है। आर्यन खान की गिरफ्तारी के बाद एनसीबी की टीम ने अनन्या पांडे को पूछताछ के लिए बुलाया। आज पूछताछ का दूसरा दिन था और लगभग 3 घंटे के ऊपर ये पूछताछ चली। कुल मिलाकर एनसीबी की टीम बड़ी मछली तक पहुंचना चाहती है। अनन्या पांडे से पूछा गया कि वो आखिर कब से ड्रग्स ले रही हैं, क्या इस पूरे केस में वो इन्वॉल्व है कि नहीं है। लगातार पूछताछ का ये दौर चल रहा है और एनसीबी अपनी जांच का दायरा बढ़ाती जा रही है।